चलो जेठालाल चलो चलो अरे क्या चलो रुको बबीता जी अहिर भाई की ऐसी हालत देख के मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी पर अब क्या करें। अब पद्मा भाई ने कहा ना कानून अंधा होता है वो सिर्फ सबूत देखता है। अरे लेकिन कानून इतना भी अंधा कैसे हो सकता है। थोड़ा बहुत अंधा हो समझ सकते हैं। अय्यर भाई को रखा ठीक है लेकिन कानून का कहानी आग करके कम से कम बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए। आखिर बबीता जी लेडीज है। लेडीज लेडीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। लेडीज लेडीज का ख्याल मतलब दूसरी कुटली लेडीज है। अरे मेन लेडीज हो न्याय की मूर्ति वो लेडीज है ना और बबीता जी भी लेडीज तो लेडीज लेडीज का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। जेठालाल मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। भाई था? नहीं मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। ओ पिड़ू सिर्फ सलाह ही नहीं लेनी चाहिए वकील करना भी चाहिए ताकि वो अय्यर प्रा और बबीता जी को छुड़ा सके। सही बात है। बराबर है हम महंगे से महंगा वकील करेंगे और बबीता जी और अय्यर भाई को कैसे भी करके छुड़ा के रहेंगे। जेठालाल कम फीस लेने वाले वकील भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वकील ज्यादा फीस लेते हैं वही अच्छे होते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है भाई मेरे कहने का मतलब है हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ऐसा। हाँ अच्छा फिर ठीक है। मेरे पहचान में एक है मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हेलो पटघरे साहब जेठालाल बोल रहा हूँ आपका एक अर्जेंट काम है। चलो बच्चों तुम सबके टिफिन तैयार है फटाफट पकड़ो चलो चलो उठो और स्कूल जाओ चलो। नहीं आंटी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ हम लोग ने सोचा है कि जब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी छूट नहीं जाते तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों ये क्या बचपना है तुम में से किसी को स्कूल में एब्सेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है समझे। देखो तुम सबके पापा सीआईडी ऑफिस गए हैं ना उनको छुड़ाने के लिए और अय्यर अंकल और बबीता आंटी को कुछ नहीं होगा मैं कह रही हूँ तुम सबको ठीक है। देखो मेरी भी दया भाभी के घर सब लोग राह देख रहे होंगे और तुम लोगों को स्कूल तो जाना ही है दैट्स इट। चलो गेट अप नो एक्सक्यूजेस तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टप्पू चलो ऐसा नहीं करते चलो 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 गोगी फटाफट बैग ठीक से लगाओ। क्या हुआ दया भाभी का फोन आया कुछ पता चला कुछ समाचार मिले वहां से। कुछ खबर नहीं अंजलि भाभी और किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अय्यर भाई और बबीता रूपी की चोरी कैसे कर सकते हैं इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है ये सब उस बहरूपी अजय दीवान की ही साजिश है। राइट हाँ उसी ने हमें 1 करोड़ के कमीशन के लालच में फंसाया। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर अजय दीवान ने हमें बेवकूफ बनाया। एकदम सही कहा कोमल भाभी ने एक बार ये अजय दीवान मेरे हाथ में आ जाए संगलम संगलम लोनसा गाली चाचा। पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अजय दीवान को क्या फायदा होने वाला है। इतना कहा है समझ में नहीं आ रहा ये अजय दीवान आखिर चाहता क्या है। अरे भाई अब्दुल तू जेठा को फोन करके पूछ कि क्या हुआ बता दो चले क्या चल रहा है। लेकिन वहां से किसी ने कोई फोन किया ही नहीं कि क्या हुआ। अरे फोन क्यों नहीं किया कि क्या हुआ। फोन करने का तो दया ने कहा था मैंने कहाँ कहा था बापूजी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है बोल भाई क्या हुआ वहाँ। हाँ बोलिए ना क्या हुआ आप लोग फोन करने वाले थे। हाँ जेठा भाई बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे। हाँ, अभी हाँ, तो बताइए क्या हुआ सीआईडी वालों ने क्या कहा। बताता हूँ एक मिनट शांति बताता हूँ। बबीता जी और अय्यर भाई को सीआईडी वालों ने हिरासत में रखा है। और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो लोग सीआईडी की हिरासत में ही रहेंगे। और वहाँ पे अय्यर भाई और बबीता जी ने सीआईडी वालों को ये बयान दिया है कि अजय दीवान ने खुद उनको रूबी संभालने के लिए दिया। अरे तो इसका मतलब बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं तो इनको हिरासत में क्यों रखा है। माधवी ये हम जानते कि वो निर्दोष है लेकिन सीआईडी वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो भाई जब तक अजय दीवान खुद आके नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इनको रूबी संभालने के लिए दिया था तब तक वो कैसे मानेंगे। और वो भेष बदलो अजय दीवान पता नहीं भेष बदल बदल के कहाँ घूम रहे। तो फिर ढूंढिए उसे
अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मैं। तो फिर किसको? अरे बड़े मास्टर मैं जनरली बोल रहा हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ना वरना। हाँ वरना बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई सीआईडी की हिरासत में से कैसे छूटेंगे? देखिए मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। वकील हाजिर है चाचा जी। बाबूजी मैंने इनको बुलाया है। ये कटघरे साहब है, वो सीआईडी के ऑफिस से आते वक्त रास्ते में से मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये सीआईडी ऑफिस जाके सब पूछताछ करके फिर यहाँ आने वाले थे, मैंने ही बुलाया इनको। हाँ कटघरे साहब क्या हुआ, आप जाके आए सीआईडी ऑफिस? हाँ मैं सीआईडी ऑफिस जाके आया और वहाँ सारा केस स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारे सबूत है वो सब अय्यर और बबीता जी के खिलाफ है। खिलाफ है? और चोरी का माल यानी कि 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता जी के घर से ही बरामद हुआ और साथ में वो पेपर स्प्रे भी मिला है जिससे सीआईडी का केस काफी मजबूत है। सीआईडी को पूरा शक है कि वही पेपर स्प्रे से अजय दीवान को बेहोश करके गायब कर दिया, और जब तक सीआईडी वालों को अजय दीवान का पता नहीं चल जाता तब तक अय्यर और बबीता जी का छूटना नामुमकिन है। अरे ऐसे कैसे? आप कहोगे तो एक केस में लड़ूंगा लेकिन आपको गलत सलाह नहीं दूंगा, आपका केस बहुत ही वीक है, खामखा मेरी फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो जेठा भाई आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए कि क्या करना है। चलता हूं। थैंक यू। टप्पू के पापा वकील भाई तो अच्छे निकले, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मतलब उन्होंने हमें सही सलाह दी, अब क्या करें? अब हम सबको एक साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि बबीता जी और अय्यर भाई को हम कैसे छुड़ाएं। यस करेक्ट है जेठा, बिल्कुल। बेचारे अय्यर भाई और बबीता जी की सीढ़ी में क्या हालत हो रही होगी। बबीता जी आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें बता दें कि आपने अजय दीवान को कहां गायब किया, बोलिए। देखिए आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। सीआईडी सिर्फ सबूतों पे यकीन करता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। सर अय्यर तक अजय दीवान कहां है पता नहीं चलेगा, तुम यहां से नहीं जा सकते। कौन? हम लोग इस मुसीबत में फंस गए। ठीक है बबीता जी, इसका मतलब है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्यार से नहीं बोलेंगे। हाँ जल्दी बताओ अजय दीवान कहां है? मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं मालूम। हम आपको सच कह रहे हैं, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है, ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है, प्लीज। सर उसने मेरे को कहा था कि उसकी जान को खतरा है। सर आप लोग अजय दीवान को ढूंढिए, सर अजय दीवान को ढूंढिए, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। उसकी गवाही से ही हम लोग बेकसूर साबित हो सकते हैं सर, प्लीज आप अजय दीवान को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो क्या? मैं एसीपी सर को बताता हूं। सीआईडी को आप ही ने फोन किया? लाश कहाँ है? सर वो रही लाश। अजय दीवान? करोड़ की रूबी के केस में जिसको हम ढूंढ रहे थे ये तो वही अजय दीवान है। रूबी की रॉबरी और अजय दीवान की मौत, अब तो ये केस और भी पेचीदा हो रहा है। एसपी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। बोलो
बात कहां से कहां पहुंच गई। दायित्व का है संकट पे संकट। अचानक से कैसी मुसीबत आन पड़ी देखो तो। पिताजी जी मदद हो जाओ जी बाबा मदद हो तो भगवान ही बचाएंगे सच्ची। हेलो मैं सीएडी से बोल रहा हूँ। सीएडी भाई का फोन है। सीएडी भाई का फोन। हाँ बोलिए। जेठालाल का फोन दीजिए अर्जेंट है। हाँ उनको आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ बोलिए। जेठालाल तुम लोगों को अर्जेंट सीएडी ब्यूरो में बुलाया है। अर्जेंट क्यों क्या हुआ। ज्यादा सवाल मत करो जेठालाल सवाल तो तुमसे अब ऐसे ही विस्तार करेंगे। जल्दी पहुंचो सीआईडी ब्यूरो में। जी जी हाँ हम लोग अभी पहुंचते हैं। ऐसे पे प्रद्युमन साहब ने हम सब जेंट्स लोगों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। क्या हुआ क्या लेंगे। ज्यादा सवाल मत कीजिए जेठालाल। ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे कहा जब मैंने पूछा क्या हुआ इसलिए पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। तो जल्दी जाइए कहीं बबीता जी और अय्यर भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अरे चुप चुप बोल दया कुछ नहीं हुआ होगा। चले चले हम लोग जाते हैं। ठीक है मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। मुझे आप। हाँ मैं भी आऊंगा पता तो चले क्या चल रहा है। चलिए चलिए बता दे। आइए, आइए, बबीता जी, अय्यर भाई। सर हमें अचानक यहाँ पे फोन करके किस लिए बुलाया है। आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें अजय दीवान का पता लग चुका है। अजय दीवान मिल गया, चोरू चक्का मिल गया। अजय दीवान का पता चल गया। मुबारक हो बबीता जी। थैंक यू। मुझे पता था सीआईडी वाले कैसे भी करके अजय दीवान का पता लगा ही लेंगे। और तभी तो वो सीआईडी वाले हैं। हां तुमचा तोंडा साखर पड़ो। अजय दीवान पकड़ा गया बबीता। अब सबको पता चल जाएगा हम लोग बेकसूर हैं। सही बात है अब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बांध निकालो पैरों में अजय दीवान को। उन्होंने तो मैं छक्का मारी। हां मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे पता चलेगा कि एक कच्ची मानो जितना अच्छा व्यापारी होता है उतना ही अच्छा गुस्सा करने वाला भी होता है। नहीं तो क्या उस अजय दीवान की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे और एक शिक्षक पे दाग लगा। डॉक्टर पे भी। हाथी भाई शिक्षक और डॉक्टर नहीं एक पत्रकार पर भी दाग लगा है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा। निकालो उसे बाहर। अरे सबसे बड़ा दाग तो हम दोनों पर लगा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि हमने रूबी नहीं चुराया है। हमको मालूम है तो चोर नहीं है। अभी अजय दीवानी हमारे बेगुनाह के सबूत देगा। वो खुद कहेगा कि उसने खुद ने हमें ये रूबी दी थी। कहाँ है वो अजय दीवान पेश करो उसको हमारे सामने। अजय दीवान यहाँ है पर आप सबसे मिल नहीं सकता। क्यों क्योंकि उसका खून हो चुका है। लाश मिली हमें उसकी मर्डर हुआ है। और लेकिन ऐसे कैसे मर्डर हो गया मैंने नहीं पता। माला भाई की है। और आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस लाश को पहचान सकें एक एक करके। विक्रम मिस्टर भेड़े इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इन्हीं से पहचान करा। अरे पर ही सोसाइटी थोड़ी से। जाइए मिस्टर भेड़े। चलिए नहीं मैं मानता हूं कि अजय दीवान की लाश हो सकती है लेकिन उसमें देखना आप आइए। क्यों क्यों इधर कौन है ये। अजय दीवान। अजय दीवान है। हाँ हाँ पक्का वही है। ठीक है जा सकते हैं। थैंक यू। भिड़े वो भिड़ो क्यों हो गया।
मिस्टर पोपटला, अब आपकी बारी। मैं पत्रकार ना, जाइए। सर ओके। अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ, ये अजय दीवान है। You're sure ये अजय दीवान है? हाँ सर, ये अजय दीवान है। Thank you so much. आप जा सकते हैं। अरे पप्पू। डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी। ये ऐसे दीवाने सोड़ी साहब। अजय दीवान, ये ऐसे कैसे हो गया? चाचा जी, आपके चल जी। जो एक एक को जाने को बोला है ना बापू जी, चलने वे। वो मैं और बापू जी साथ में देख ले तो चलेगा? तो बापू जी जरा प्लीज। अरे बापू जी डरिए मत, पहचानिए इन्हें। बताइए, क्या यही अजय दीवान? ठीक है, आप लोग जा सकते जाइए, आप लोग भी मिल लीजिए। जाइए। अजय दीवान है, ये अजय दीवान है, इसका डेथ हो गया। अभी हम लोग सीआईडी को यकीन कैसे दिलाएंगे कि रूबी अजय दीवान ने खुद हमें दी थी? बबीता, हम बहुत बुरे फंस गए। बबीता, हम लोग बहुत बुरे फंस गए। अब ये क्या होगा? आप लोग जा सकते हो। अजय दीवान की लाश सीआईडी ने बरामद कर ली है। अय्यर और बबीता गुनाहों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। अब क्या होगा अय्यर और बबीता का? क्या होगा गोकुलधाम सोसाइटी वालों का? सबसे पहले 10 करोड़ की रूबी का चोरी होना, उसी रूबी का अय्यर बबीता के घर बरामद होना, फिर अजय दीवान के साथ ये हादसा होना, और अय्यर बबीता का सीआईडी की हिरासत में होना। भाई, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गोकुलधाम सोसाइटी इस हालात से गुजरेगी, लेकिन अभी ये कहानी ऐसे रोमांचक मोड़ से गुजरने वाली है कि आपको दिल थामना पड़ेगा। इतने रहस्य, इतने रोमांच, लेकिन हर रहस्य और हर रोमांच के मोड़ पे होंगे हंसी और ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।